यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी को अभिवादन करता हूँ। नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। इस नए वर्ष हम नए उमंग के साथ जो हमने पिछली असफलताएं ग्रहण की उस असफलताओं को कम भी करने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो नई नई सफलताएं उसे पाने का प्रयास करेंगे। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही की जो प्रतिक्रियाएँ आती है उसी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम प्रोत्साहित होते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें जरूर प्रेषित कीजिए। आइए जो बना रहा चर्चा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जिसकी अभी 30 दिसंबर को घोषणा की गई, तो इसे हम जानेंगे। साहित्य अकादमी की जो बोर्ड है उसने विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हो गया और बाल साहित्य पुरस्कार है 2021 की घोषणा की। और बोर्ड के अनुसार ये भी बताया गया जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता होंगे उनको क्या कहें, एक उत्कीर्ण ताबे की प्लेट, एक साल और लगभग 1,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जो युवा पुरस्कार होंगे और जो बाल साहित्य पुरस्कार के विजेता होंगे उनको जो होंगे उनके लिए उत्कीर्ण ताबे की प्लेट और 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता। इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है ये 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया। गुजराती, मैथिली, मणिपुर और उर्दू जो भाषाओं के विजेता हैं उनकी घोषणा बाद में की जाएगी। लेखिका जो नामिता गोखले हैं उनको उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए वो सम्मानित किया। आइए जानते हैं कौन कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता बने। पुरस्कार के विजेता असमिया भाषा से देखा जाए तो अनुराधा शर्मा पुजारिया बनी, बंगाली भाषा से दात्या बसु बने रहे, बोडो जो भाषा से मवादई गहाई बने रहे, वहीं डोंगरी भाषा से राजराही बने रहे, अंग्रेजी भाषा से नमिता गोखले बनी रहे, हिंदी भाषा से दया प्रकाश सिन्हा बने रहे और कन्नड़ भाषा से डीएस नागभूषण बने रहे और कश्मीरी भाषा से वाली मोहम्मद असीर कस्तवारी बने रहे और कोंकणी भाषा से संजीव वीरेंकर बने रहे और मलयालम भाषा से जाज ओनुकुकर बने रहे, राठी भाषा से किरण गुरु बने रहे, नेपाली भाषा से छबीला लाल उपाध्याय बने रहे, उड़िया भाषा से ऋषिकेश मलिक बने रहे, पंजाबी भाषा से खालिद हुसैन बने, राजस्थानी भाषा से मिथे निर्मोही बने रहे, भाषा से विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय बने रहे, वहीं संताली भाषा से निरंजन हांसदा बने, सिंधी भाषा से अर्जुन चावला बने, तमिल भाषा से अंबाई बने, तेलुगु भाषा से गोराती वेकन्ना जी बने रहे। आइए जानते हैं जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है ये 2021 उसके बारे में कि साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2021 ये 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया। तमिल में जो पुरस्कार है उसको बाद में घोषणा की जाएगी और जो राजस्थानी भाषा है उसमें कोई भी इस बार पुरस्कार नहीं। वही जो मेघा मजुमदार है इनकी 2020 में एक पहली पुस्तक आई थी अब बर्निंग, इसलिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया। आइए जानते हैं कौन कौन जो है साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार के विजेता बने रहे। देखिए असमिया भाषा से अभिजीत बोरा बने रहे, बंगाली भाषा से गौरव चक्रवर्ती बने रहे, बोडो भाषा से गौतम डोमरी बने रहे, डोगरी भाषा से जो है अरुण आकाश देव बने रहे, अंग्रेजी भाषा से मेघा मजुमदार बनी रही और गुजराती भाषा से दृष्टि सोनी बने, हिंदी भाषा से हिमांशु वाजपेयी बने, कन्नड़ भाषा से एन लक्ष्मी नारायण स्वामी बने रहे, कश्मीरी भाषा से रजी ताहिर भगत बने रहे, वहीं कोंकणी भाषा से शारदा गरद बने रहे, मैथिली भाषा से अमित मिश्रा बने रहे, मलयालम भाषा से मोविन मोहन बने रहे, मणिपुर भाषा से खमांचा बने रहे, मराठी भाषा से प्रणव सखादेव बने रहे, वही नेपाली भाषा से देखा जाए तो महेश धल बने, उड़िया भाषा से देवव्रत दास बने, पंजाबी भाषा से वीर वीरेंद्र सिंह बने, संस्कृत भाषा से श्वेता पद सतपंथी, संताली भाषा से कुना हंसदा बने, सिंधी भाषा से राकेश सिमानी बने, तेलुगु भाषा से थुगाला गोपाल बने रहे, वही उर्दू भाषा से उमर फरहत बने रहे। ये देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के, देखिए बाल साहित्य पुरस्कार 2000 इसमें इसको भी 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। गुजराती और पंजाबी जो था भाषा इसके लिए कोई भी बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया। और अनीता वछरजानी जो है इनकी एक जीवनी है अमृता शेरगिल रिवेल विथ अ पेंट ब्रश, इसके लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के इन्हें नामित किया गया। वहीं जो है हिंदी के लेखक जो है देवेंद्र मेवाड़ी हैं, इनकी एक नाटक है उसे नाटक में विज्ञान, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। ये जानते हैं कौन कौन बाल साहित्य पुरस्कार के विजेता। देखिए असमिया भाषा से मृणाल चंद कलिता बनी रही, बंगाली भाषा से सुनीरमल चक्रवर्ती बने, बोडो भाषा से रत्नेश्वर नारजारी बने रहे, वहीं डोगरी भाषा से नरसिंह देव जामावल बने रहे, अंग्रेजी भाषा से अनीता चरजनी बनी रही, हिंदी भाषा से देवेंद्र मेवाड़ी बने रहे, कन्नड़ भाषा से वासु नागिदा
क्या बनी रही, कश्मीरी भाषा से मजीद मजाजी बने रहे, कोंकणी भाषा से सुमेधा कामत देसाई बनी रही और मैथिली भाषा से जो है अनमोल झा बने रहे, वही मलयालम भाषा से रघुनाथ पलेरी बने रहे, मणिपुर भाषा से निंगोम्बम जदुमणि सिंह बने रहे, मराठी भाषा से संजय वाघ बने रहे, नेपाली भाषा से सुदर्शन अम्बाटे बने रहे, उड़िया भाषा से दिग्राज ब्रह्मा बने रहे और राजस्थानी भाषा से कृति शर्मा ने पुरस्कार जीता, वहीं संस्कृत भाषा से आशा अग्रवाल बनी रही, संताली भाषा से सुबह हंसादा बनी रही और सिंधी भाषा से किशन खुबू चंदानी रंजयाल ने जीता, वहीं तमिल भाषा से मयू मरुगेश ने जीता, तेलुगु भाषा से देवराज महरूज बने रहे, उर्दू भाषा से कौशल सिद्दीकी ने ये पुरस्कार को जीता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में की गई और इस प्रकार का साहित्यिक सम्मान होता है और यह जो होता है ये पुरस्कार जो होता है साहित्य अकादमी के अंदर नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स होता है उसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और ये जो है प्रत्येक वर्ष लगभग 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची होती है उस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं और इस 22 भाषाओं को साहित्य अकादमी में रखा ही गया, साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी जो भाषा है इनको भी मान्यता दी गई है। वह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है। ये जानते हैं पुरस्कार विजेता के चयन हेतु क्या क्या मानदंड है। देखिए लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए, वहीं पुरस्कार के लिए जो पात्र पुस्तक होते हैं रचना का संबंधित उनकी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट योगदान भी होना चाहिए और जब दो या दो से अधिक पुस्तक के लिए समान योग्यताएं पाई जाती है तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ निश्चित मानदंड होते हैं। जैसे मैं आपको बता दें साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा उनके लेखक की स्थिति प्रतिष्ठा आदि का भी ध्यान रखा जाता है। उम्मीद है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पता चला हो और जो विजेता रहे उनके भी बारे में पता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।